को जब मैंने स्कैन किया उसमें 5 रुपए डिटेक्ट किया, ठीक ना। उसने बोला आप इसको पे करिए। नहीं पे नहीं, आप इस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत। और सुबह के ना अभी बज रहे हैं 9:30, ना अभी मैं जस्ट नहा कर आया हूँ। और गाइस आज ना नहा रहा था, सडनली मम्मी के फ़ोन में एक फ़ोन आया। उन्होंने बोला पापा का नाम लेकर कि आपके पापा ने बोला फोन पे में पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉड कॉल किया गया था। मैं आपको रिकॉर्डिंग डाल दूंगा आगे। मेरे फ़ोन में नहीं किया गया, मम्मी के फ़ोन में, जो कि मम्मी का फ़ोन कभी कहीं यूज़ ही नहीं हुआ है ना, बैंक में भी नहीं, कहीं भी नहीं। आपको नंबर कहाँ से मिला पता नहीं, उसे नंबर कहाँ से मिला कहाँ से नहीं, बट हाँ फ़ोन किया मेरे को, बोला मैं पेमेंट आपको ट्रांसफ़र करना, ये नहीं बताया कितना ट्रांसफ़र करना कितना नहीं। मैंने उससे 10 मिनट तक बात की, 10 मिनट बाद वो बोलता है मेरे को कि आपके अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं आप चेक कर लीजिए, इसके बाद मैं ट्रांसफ़र करूँगा। मैंने बोला ठीक है, मैंने सट्टा मार दिया कि हाँ इतना इतना है, 50-55 हज़ार रुपये कुछ ऐसे ग्राउंड फिगर बता दिया। अब उसने मेरे को बोला आप अपने अकाउंट में पैसे चेक कर लीजिए, मैंने बता दिया कि हाँ इतना है। अब उसने मेरे को एक QR कोड भेजा, ठीक, QR कोड भेजा। उसमें मेरे को जब मैंने स्कैन किया उसमें 5 रुपये डिटेक्ट किया, ठीक ना। उसने बोला आप इसको पे करिए। नहीं पे नहीं, आप इसमें आगे प्रोसेस करिए, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने बोला भाई अब तो जो मेरे को चुतिया ही मेरा काटने वाला है और कुछ नहीं। अच्छा हमको सिखा रहा है। फिर मैंने उसको अपने फ़ोन से भी कॉल किया, मैंने बोला ये ऐसे मत किया कर, देख किसी के अकाउंट से पैसा फिर हो गया, वो फ़ोन ही काट दे, उससे बात ही करना बेकार ही था, मतलब मूड ही ख़राब कर दिया पूरा सुबह सुबह का। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग डाल दूंगा इसके आगे क्लिप थोड़ी सी। मैंने ना और मैं 3-3 फ़ोन चला रहा था उस समय, मम्मी के फ़ोन में फ़ोन आया था, मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था। फिर इसके बाद उसने मेरे को फ़ोन पे खोलने के लिए कहा, और हाँ उसने बोला कि मैं तेरा अकाउंट हैक कर लूँगा। मैंने बोला ऐसा तो नहीं होगा भाई। उसने बोला एक OTP बता दो। मैंने बोला चल ठीक हो गया, तू कॉल भी कर, OTP बता दूंगा। लेकिन उसने कॉल नहीं किया। मैं सोच रहा था वो कॉल करे, मैं उसको गलत OTP बताऊँ, थोड़ी देर और मजे लेके। लेकिन हाँ उसने दोबारा मेरे को कॉल ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। हो गया जो हो गया तो हो गया। और हाँ अभी चलते हैं चाय वगैरह पीते हैं। मम्मी ने अभी कढ़ी वढ़ी बना रही थी कुछ, अभी मम्मी लोगों को पता चला, मम्मी ने बोला कुछ मत बताना ये है वह। मैंने बोला अरे नहीं यार, मेरे को ये तीसरी बार कॉल आया। जब मैं एक समय मैं कॉलेज टाइम में था तब भी आया था, फिर एक बार पिछले साल शायद आया था, हाँ दुकान में जब था तब भी एक बार कॉल आया। आज इस बार फिर से आया, तो इस बार मम्मी के फ़ोन में आया। अगली बार पिछली बार ना मेरे फ़ोन में आता था हर बार, तो आज मम्मी के फ़ोन में सडनली आया। हाँ इंटर अमाउंट आ रहा। हाँ इंटर अमाउंट 5 रुपये की अमाउंट आ रही है। हाँ डाला। हाँ इंटर अमाउंट में 5 के अमाउंट डाले ना। हाँ अपना वैलेट सब खाते में पे कर लो 5 रुपये। किसके खाते में? मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में पे कर लीजिए 5 रुपये। अच्छा भाई एक बात बताऊं तेरे को। क्या? एक बात बताऊं तेरे को। हाँ भाई तू जो कर रहा है ना मेरे साथ, अबे तू सुन ना यार, तेरे को नंबर किसने दिया तू पहले ये तो बता। शाम के बज रहे हैं 6, मम्मी को ना लेकर जाना है भैया के यहाँ, बिकॉज वहाँ भैया की शादी हुई थी तो वहीं मम्मी जा रही हैं, बिकॉज शादी में गई थी, बस हो गया, तिलक में गई थी, बारात अगर हम कहीं नहीं गए थे हम लोग, तो इसीलिए मम्मी को जाना है लेकर अभी। तो अभी पहले मम्मी को लेकर चलते हैं, मम्मी तब तक वहाँ बैठेंगी और मैं चला जाऊँगा गोलू के घर साइड, तो मैं अभी दरबार करूँगा। ये देखिए मम्मी हो चुकी है तैयार, तो अभी मम्मी को लेकर चलते हैं। और हाँ मेरी ना स्कूटी बस है, बिकॉज बड़े पापा के लड़के ना लेकर चले गए, चाचा के लड़के लेकर चले गए पापा वाली गाड़ी, तो मैं अपनी स्कूटी लेकर जाऊंगा। हालांकि उधर साइड ना थोड़ा सा रोड जो है ख़राब भी है, बट हाँ अब नहीं है गाड़ी तो क्या करें, इसी को लेकर जाना पड़ेगा अभी अपने को। और अभी निकलते हैं पहले घर में, ना पापा भी नहीं है आज, स्वाति बस है और दादी हैं और बब्बा बस, बड़ी मम्मी लोग भी हैं उधर साइड अपने, तो अभी पहले चलते। हाँ ठीक है, और मैं इधर साइड से गाड़ी लेकर निकलता हूँ, इधर साइड से मम्मी भी निकल रही हैं, लेकिन हाँ इधर साइड से मैं नहीं निकलूँगा क्योंकि फिर गेट ना हमारा खुला रह जाता है, और मेरा ना पूरा सामान यही रहता है, लैपटॉप चार्जर सब कुछ यहाँ, सब हर चीज़। एक चाचा का ना कुछ कार्ड वगैरह बनाना था आयुष्मान का, वो काफ़ी दिन से फ़ोन कर रहे थे, कुछ KYC वगैरह करनी थी, अभी चलते हैं उनका काम कर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मेरे को बोल रहे हैं मैं जा नहीं पा रहा था, तो अभी उनका काम आज कर देता हूँ। और एक दो लोगों का काम ना पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आज कंप्लीट कर देता हूँ पूरी तरह से। मैं नहा कर बिल्कुल आ गया हूँ, बिकॉज ये गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि बिना नहाए ना मन नहीं पड़ रहा था। और अभी ना रात के बज रहे हैं 10, पापा खाना खा रहे हैं, चलते हैं पहले खाना वगैरह खाते हैं, इसके बाद आकर अपना काम वाम करेंगे। और लैपटॉप अपना चार्ज हो रहा है, बिकॉज दोपहर में ना मैं काम करता रह गया, लैपटॉप को चार्ज ही नहीं लगा था। ऐसे भी इंसान होते हैं, पढ़ाई के समय में सोने के टाइम में पढ़ते हैं और पढ़ने के समय में फ़ोन चलाते हैं, है ना। मम्मी बोल भी आ चुकी हैं तुम, अरे तो कभी कभार चला लेती मम्मी डांट
तो ठीक है ना, काम करना जरूरी है, ठीक है ना। इसका ना एग्जाम फीस इस समय जमा होने लगी है, किसी दिन इसका मार देंगे एग्जाम फीस। शांति का परिचय दे, हल्ला ना करे, लिया इसलिए अगरबत्ती वाली ना, अगरबत्ती वाली क्या, मच्छर वाली अगरबत्ती जलाना है, क्योंकि ना इधर साइड की ना खिड़की ओपन रहती है तो पीछे से ना आते रहते हैं हल्का फुल्का, रात में मच्छर दिक्कत करते रहते हैं। तो अभी इसको जला देंगे थोड़ी देर के लिए तो मच्छर भाग जाएंगे। और हाँ, इसकी ना पेपर भी होने वाला है, 7 जुलाई में इसका पेपर स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। तो अभी चालू कर दिए पढ़ाई, एक दिन बुक वगैरह लाई, भैया बोल रहे थे कौन कौन सी बुक लाई हो, यही जाने क्या लाई है, कुछ नहीं, कौन सी बुक लाई पढ़ने के लिए, परीक्षा सार वगैरह कुछ लाई पढ़ने के लिए, जो जितना पढ़ना पढ़े अपना। और हाँ, पहले ना बिस्तर वगैरह साफ करना पड़ेगा, बिकॉज ना दोपहर में ना इस समय लेट, आज ना मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं बता सकता, सो गया। मैं आज मतलब फ़ोन मिला चलाए सोता रह गया मस्त यहाँ पे, और हाँ पूरे हार से बिस्तर उथल पुथल हो गया है। तो पहले इसको चलते बनाते बनाते हैं अच्छे से। अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ रात के बजे 11:30 भाभी की दरबार करके, क्योंकि मैंने अगरबत्ती लगा कर चला गया भाभी की इधर साइड। मैं बाहर निकला तो भाभी बैठी हुई थी, मस्त चला गया दरबार करने बाहर, दरवाजे के बाहर मतलब, और सभी लोग मस्त अंदर सो रहे थे। इसके बाद पहुंच गई स्वाति भी पढ़ाई छोड़कर। अभी हम लोग आए दरबार करके, एक घंटे बाद दरबार हुई है मस्त। अभी चलते हैं अपना सोने की तैयारी करते हैं, लैपटॉप अपना ऑलमोस्ट चार्ज हो चुका है तो चलते हैं। लैपटॉप में ना कुछ पेंडिंग काम पड़ा हुआ है तो उसको पहले निपटाते हैं, इसके बाद सोएंगे। इसके बाद ना वीडियो एडिट करना पड़ेगा, समथिंग 3 बज जाएंगे अपने को सोने के लिए। और हाँ, कुछ और काम है थोड़ा सा बाहर का, उसको भी निपटाते हैं 10-15 मिनट का, उस सब काम करने के बाद। और हाँ, कूलर में ना पानी अपने भरा हुआ है, मैं नहा कर जब आया था तभी 2 बाल्टी डाल दिया था नहाने से पहले ही आज, क्योंकि फिर बाद में ना पसीना पसीना हो जाता पूरा शरीर, तो इसीलिए पहले ही मैंने डाल दिया था। अभी चलते हैं, पहले काम हम निपटाते हैं। रूम की हालत देखिए कुछ इस प्रकार है, पूरे हार ऐसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है। स्वाति ने आज मैंने ही बनाया, हाँ ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा बना देना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं बनाया हूँ मैं, शाम को बनाया था तो शाम से अभी तक टाइम था साफ करने के लिए। बोलो मत करो ज्यादा, ठीक है ना, दिमाग खराब हो जाता फिर। कैसा लगा मेरा मजाक? ये पूरा कपड़ा यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, इंसान अभी पढ़ाई शुरू की है, अब जब तक 2-3 बजे तक कलेक्टर बन जाएंगे पढ़ते हुए। रात के बज रहे हैं 3:30 और अभी जस्ट मैं सोकर उठा हूँ। मैं 2 बजे ना मेरे को पता नहीं कैसे नींद लग गई अपने से ही ब्लॉग एडिट करते करते ही। अभी इस ब्लॉग को ही पेंट करते हैं। आई होप आप लोग ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक ले गुड नाइट, जय हिंद जय भारत, राधे राधे, बाय।